Hello all my dear students, I hope you all are fine. Today I am going to teach you the second chapter, that is our villages. So let's start the first paragraph. Once Anjum's father was very tired of his office work. Ek dafa Anjum ke walid sahib apne daftari kaam se bahut thak gaye the, ukta gaye the. Tired means thak jana. He didn't know what to do. वो नहीं जानते थे कि वो क्या करें. His wife suggested him to take a few days leave from his office and visit his parents in Noorpur village. उनकी बीवी ने मशवरा दिया कि वो दफ्तर से चंद दिन की छुट्टी ले लें और नूरपुर गांव में अपने वालिदैन से मुलाकात कराएं. He would be refreshed by living in the village. वो गांव में रहने से खुश होंगे, ताज़ा महसूस करेंगे. आफ्टर अ फ्यू डेज ही वुड रिटर्न होम क्वाइट फ्रेश टू टेक अप हिज वर्क अगेन. चंद दिन बाद बिल्कुल ताज़ा दम होकर वो घर वापस लौट आएंगे और फिर से अपना काम संभालेंगे. द नेक्स्ट डे अंजुम्स फादर रीच द ब्यूटिफुल विलेज नूरपुर सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ कैनाल. अगले दिन अंजुम के वालिद साहब खूबसूरत गाँव नूरपुर पहुँच गए जो एक नहर के किनारे पे वाकया था. His parents were overjoyed to see him. उनके वालिदैन उन्हें देखकर बहुत खुश हुए. Overjoyed means बहुत ज़्यादा खुश हो जाना. His other relatives also gathered to welcome him. उनके दूसरे रिश्तेदार भी उन्हें खुशामदीद कहने के लिए जमा हो गए. Relatives means रिश्तेदार. Gathered means जमा हो जाना. A village is a peaceful, calm and a quiet place. गांव एक पुरअमन पुरसुकून वाली जगह है. In a village, life is refreshing and inspiring as there is no noise and rush of traffic. गांव में ज़िंदगी फरहत बख्श और मुतासिर कुन होती है क्योंकि वहाँ कोई शोर और ट्रैफिक का हुजूम नहीं होता. पाकिस्तान इज़ अ लैंड ऑफ द विलेजेस. पाकिस्तान देहातों की सरजमीन है. ऑलमोस्ट 70% ऑफ आवर टोटल पॉपुलेशन लिव्स इन द विलेजेस. हमारी कुल आबादी का तकरीबन 70% हिस्सा देहातों में रहते हैं. द पॉपुलेशन ऑफ द बिग विलेज मे गो टू 5,000 और 6,000 बट अ स्मॉल विलेज यूजुअली हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ अबाउट 2,000 पीपल और लेस. एक बड़े गांव की आबादी 5 या 6,000 तक हो सकती है मगर एक छोटा गांव कम अज़ कम 2,000 लोगों की आबादी पर मुश्तमिल होता है. द विलेजर्स लिव इन सिंपल हाउसेस. देहाती सादा घरों में रहते हैं. एवरी विलेज हैज़ अ मस्जिद वेयर पीपल ऑफर प्रेयर्स. हर गांव में एक मस्जिद होती है जहां लोग नमाज़ें अदा करते हैं. सम ऑफ द स्मॉलर विलेजेस डू नॉट हैव इलेक्ट्रिसिटी. कुछ छोटे देहातों में बिजली नहीं होती. इलेक्ट्रिसिटी बिजली. द विलेजर्स हैव ग्रीन ट्रीज इन द राउंड देयर हाउसेस. देहातियों के घरों के अंदर और बाहर सरसब्ज दरख्त होते हैं. द ट्रीज प्रोवाइड शेडी सिटिंग प्लेसेस इन द समर आफ्टरनूनस. दरख्त गर्मियों में बैठने के लिए सायादार जगह फरहम करते हैं. प्रोवाइड मीन्स मुहैया करना. सिटिंग बैठना. आफ्टरनून दोपहर का वक्त शाम इवनिंग. यूजुअली अ स्मॉल विलेज डज नॉट हैव अ हॉस्पिटल हाई स्कूल एंड पोस्ट ऑफिस. आम तौर पर एक छोटे गांव में अस्पताल हाई स्कूल और डाकखाना नहीं होता. हाई स्कूल्स आर इन नियर बाई टाउन्स एंड बिगर विलेजेस. हाई स्कूल करीबी कस्बों और बड़े देहातों में होते हैं. मोस्टली पीपल लिविंग इन फार ऑफ विलेजेस आर नॉट एजुकेटेड. दूर दराज देहातों में रहने वाले लोग ज़्यादातर तालीम याफ्ता नहीं होते. अ टीचर ऑफ द विलेज प्राइमरी स्कूल टेक्स केयर ऑफ द पोस्टल नीड्स ऑफ द विलेजर्स. गाँव के प्राइमरी स्कूल का उस्ताद लोगों की ख़त व किताबत की ज़रूरियात का ख्याल रखते हैं.
ही ऑल्सो रीड्स एंड राइट्स लेटर्स फॉर देम, वो इनके लिए खतूत पढ़ता और लिखता भी है. मोस्ट ऑफ द विलेजेस हैव ओनली वन और टू वेल्स, ज़्यादातर देहातों में सिर्फ एक या दो कुएँ होते हैं. वेल मीन्स कुआँ. विलेज वुमेन डू अ टायरसम ड्यूटी ऑफ द फेचिंग वाटर फ्रॉम दीज वेल्स. देहाती ख़वातीन इन कुओं से पानी भर कर लाने का थका देने वाला काम करती हैं. दे ऑल्सो वर्क विद देयर फैमिली मेम्बर्स, मेल फैमिली मेम्बर्स इन द फील्ड्स. वो अपने ख़ानदान के मर्द हजरात के साथ खेतों में भी काम करती हैं. मैन आर मोस्टली फार्मर्स हु डू द वर्क ऑफ सोइंग, ग्रोइंग एंड हार्वेस्टिंग क्रॉप्स. ज़्यादातर मर्द हजरात किसान हैं जो बीज बोने, फसलें उगाने और फसलें काटने का काम करते हैं. हार्वेस्टिंग मीन्स काटना, क्रॉप्स फसलें, सोइंग बीज बोना. फार्मर्स किसान. इट इज़ ऑल टुगेदर अ हार्ड एंड अ टायरसम वर्क. ये काम मुकम्मल तौर पर सख्त और थका देने वाला काम है. अ विलेज हैज़ अ रूरल हेल्थ सेंटर वेयर अ पेशेंट्स आर चेक्ड एंड गिवन मेडिसिंस. गांव में एक देही मरकज सेहत होता है जहां मरीजों का मुआयना किया जाता है और अदवियात दी जाती है. अ विलेज नॉर्मली हैज़ अ स्मॉल शॉप सिचुएटेड हेयर एंड देयर. एक गांव में आमतौर पर इधर उधर छोटी छोटी दुकानें होती हैं. हेयर एंड देयर मीन्स इधर उधर. फॉर शॉपिंग इन बल्क अ विलेजर्स हैव टू गो टू द नियरेस्ट टाउन. ज़्यादा ख़रीदारी करने के लिए देहातियों को करीबी कस्बे में जाना पड़ता है. बल्क मीन्स ज़्यादा. विलेजर्स देहाती, नियरेस्ट करीबी. द विलेज पंचायत वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द विलेजर्स एंड लुक्स आफ्टर द नीड्स ऑफ द पीपल. गांव की पंचायत गांव के लोगों की फलाह व बहबूद के लिए काम करती है और लोगों की ज़रूरियात का ख्याल रखती हैं. पंचायत मीन्स पंचायत, जो गांव के लोगों की लोगों का ख्याल रखते हों. वेलफेयर मीन्स फलाह व बहबूद. इट हेल्प्स द विलेजर्स बाय सेटिंग देयर डिस्प्यूट्स. ये देहातियों के झगड़े तय करने, निमटने में इनकी मदद करती हैं. डिस्प्यूट्स मीन्स झगड़ना. सेटिंग्स तय करने के लिए हेल्प करना उनकी. इट ऑल्सो हेल्प्स इन इम्प्रूविंग देयर वर्किंग एंड लिविंग कंडीशंस. ये इनके काम और ज़िंदगी के हालात को बेहतर बनाने में भी इनकी मदद करती हैं.